हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिंगर फैमिली ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अभी देखिए सुबह के बजे 8, और ये बाबू भी सो के जग चुका है, सारे लोग जग चुके हैं, चाय हमारी बन गई है, सब लोगों ने पी लिया है। और ये देखिए मेरी चाय इसमें गिलास में पी रहे हैं आज हम चाय। और इधर मलाई रखी थी काफी, एक कटोरा भर गया था पूरा, तो उसको आज हमने मक्खन बनाया है। ये देखो इतना सारा मक्खन निकला है, तो अभी इसको रख देंगे हम गैस पे, तो हमारा धीरे धीरे से आंच इसकी धीमी कर देंगे तो घी भी बन जाएगा। और इधर चाय भी आज हमारी ठंडी हो गई, ये मक्खन निकालने लगे हम उतनी देर में, चाय ठंडी हो गई पूरी। इधर बनेगा मक्खन, और अभी झाड़ू लग चुकी है, पोछा वगैरह सब लगाना है। हमने सोचा एक ही रख देते हैं एक साइड में, ये बनता रहेगा और उसके बाद अपना बाकी काम करते रहेंगे। ब्लाउज की बंद कर देंगे। तो चलिए अभी घी गरम कर लेते हैं, पोछा झाड़ू जो भी बचा है इतना काम सब कुछ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप। और ये देखिए ये हमारा घी हो गया है गरम, इसको अब छान लेंगे हम। इतने अच्छे से गरम हो गया है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बिल्कुल धीमी आंच में पकाया है इसको हमने। और इस बर्नी में इसको छान लेंगे, ये पहले का देखिए इतना सारा रखा हुआ है, इसी में और छान लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक दिन पहले शाम की क्लिप है। हम लोग गए थे घूमने, और घूमने कहाँ पे गए थे, कानपुर में तो रहते ही हैं हम लोग। तो ये गंगा बैराज पुल है, सुना होगा शायद, आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे। गंगा बैराज पुल काफ़ी फेमस है, तो यहीं पर हम लोग आए हुए थे, तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। ये पुल काफ़ी फेमस है, यहाँ पर शाम को 4 बजे के बाद रात 10 बजे तक इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। इस पुल में कोई खासियत नहीं है, पुल तो वैसा ही जैसे बाकी सारे सब होते हैं उसी तरीके का है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे मैगी पॉइंट बने हुए हैं, और ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा, खाली मैगी पॉइंट बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। ये अभी मैं बिल्कुल बीच पुल पर खड़ी हूँ, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सुबह का क्लिप था, सॉरी शाम को नहीं, सुबह गए थे हम लोग, किसी काम से जाना था तो उधर ही हमने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें और आप लोगों को दिखा दें। तो इस समय यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप भी थी, तो सुबह के टाइम पे ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती है, जो आने जाने वाले लोग होते हैं सिर्फ वही होते बस यहाँ से निकलते हैं। बाकी शाम को जैसे ही 4 बजते हैं, फिर 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है, और ख़ासकर कपल ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, और वैसे भी जिसको देखना होता है तो देखने आते हैं, क्योंकि यहाँ बांध भी बना हुआ है और यहीं पर पानी रोका जाता है, तो इसलिए डैम बना है यहाँ पर। ये देखिए तो यहाँ पर ज़्यादा लोग इसीलिए आते हैं इसको देखने के लिए, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बहुत सुंदर लगा था हमें तो। और मैंने सुना था, हमने सोचा चलो देख लिया है तो अपने परिवार फैमिली जो हमारी यूट्यूब है उसको भी दिखा दें हम। उसके बाद ये देखिए रास्ते में जा रहे थे, तो आपने सुना होगा एक नई सिटी बन रही, ट्रांसगंगा सिटी, वहीं का ये लोकेशन थोड़ा सा मैंने शूट किया था। ये देखिए ये वहाँ का चौराहा है, और ये जो सिटी है ना, ये बिल्कुल कानपुर से जो उन्नाव शहर है उसी के बीच में ये जगह है। वहीं पर ये कई एकड़ ज़मीन किसानों की खाली करवाई गई है, उसका मुआवजा दिया है गवर्नमेंट ने, कई एकड़ ज़मीन है ये, और इसमें पिछले 3 साल से काम चल रहा है। और अभी ये मानिए आप 20% भी यहाँ का वर्क नहीं हो पाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटी बन रही है ट्रांसगंगा सिटी के नाम से। और ये देखिए काफ़ी कुछ बन चुका है, लेकिन फिर भी उस एरिया के हिसाब से आप ये मानिए कि 20% ही काम हुआ है यहाँ पर। इतनी चौड़ी चौड़ी सी यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी, और इसका जो मेन चौराहा है ना,
उसकी तो बात ही नहीं, इतना ज़्यादा बड़ा था वो और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जब ये पूरी सिटी बनकर कंप्लीट होगी ना, तो सच में बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी सिटी ये तैयार होगी। और यहाँ पर जो प्लाट का रेट है अभी तो काफ़ी महंगा हो गया है, लेकिन जब ये पूरा बनकर कंप्लीट होगा ना तो और भी शायद महंगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है ना बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लास वाले लोगों के लिए ही हो रही है। हम जैसे लोग तो खरीद ही नहीं पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत हाई फाई दाम है यहाँ के। हमने जो यहाँ पे लोग काम कर रहे थे उन्हीं वर्कर, उन्हीं से पूछा भी था तो बहुत महंगा बता रहे थे वो लोग। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बताइए आप सबको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा गंगा बैराज पुल, और कितने लोगों ने देखा है इसको, और ये ट्रांस गंगा सिटी के बारे में किसको मालूम है नहीं मालूम, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाना बनता है इसलिए मैंने दिखाया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर मिलते हैं हम एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आया है ना तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, मत कंजूसी किया करो, लाइक कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।